अब जैसे होता है पेयर ले आते हैं लड़का लड़की, बाकी तो आगे होते रहते हैं। बेटा ये ना याद रखियो जो तूने मेरे साथ किया था ना वहाँ। भाई तेरे को सीखने की जरूरत नहीं है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अभी सनी और मैंने अपना अपना काम खत्म कर लिया है, अभी वो बाहर फोन पे किसी से बात कर रहा है। तब तक मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग की स्टार्टिंग कर दूं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा इसने मेरे साथ क्या प्रैंक किया था। मुझे बोला कि मैं तुझे शॉपिंग कराने लेके जाऊंगा और मुझे कहां लेके गया, सर्विस सेंटर। तो आज मैं इसके साथ एक प्रैंक करूंगी, मैं इसका फोन गाड़ी में छुपा दूंगी और इसे पता नहीं लग पाएगा, देखेंगे इसका रिएक्शन क्या होता है। तो अभी हम कहीं जा रहे हैं वो तो आपको पता लग ही जाएगा व्लॉग में, तो चलो चलते हैं। सो गाइस, मम्मी और शालू भी फ्रूट्स लेने गए मार्केट के अंदर, बिकॉज यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं थी। और इसके बाद जाएंगे हम अपनी मासी के घर, बिकॉज मासी का घर यहाँ से बहुत पास है। सत श्री अकाल मासी जी, किदा हाल चाल थोड़े। कबड्डी कबड्डी हो गया, बैडमिंटन, कंचे, पतंग। कंचे खेलते थे आप? कंचे तो मैं भी खेलता था बचपन में, डाल लेने कंचे खूब सारे। हाँ दे तेरे दे। एक पतंग अगर कट जाती थी ना, हम लोग खूब दौड़ते थे उसको पकड़ने। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं कालका जी, बिकॉज मेरे को यहाँ से प्रिंट आउट निकलवाना है। जो मेरा घर पे प्रिंटर है मैं यूज करता हूँ HP का लेजर जेट, उसके अंदर खाली ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट निकलता है, बट इसके अंदर कलरफुल नहीं निकलता। बट जो मेरे को एडमिट कार्ड चाहिए वो मेरे को कलरफुल ही चाहिए, तो मैं आ चुका हूँ अभी इस वाली दुकान पे, यहाँ पे साथ में ही है। तो मैं जाता हूँ और जल्दी से प्रिंट आउट निकलवा के आता हूँ। वो जा रहा है वो प्रिंट आउट निकालने। सो गाइस, सन्नी जा चुका है और वो अपना फोन यहाँ पे भूल गया। हैप्पी की किलर स्माइल देखो। हैप्पी को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया और वो मेरी हेल्प करेगा इसका फोन छुपाने में। चल हैप्पी, इसका फोन जल्दी से छुपा दे, जब तक ही आए हम अपना काम कर देते हैं। मैंने देखो इसका फोन यहाँ छुपाया है। उसको दुनिया में सबसे ज्यादा घर वालों के बाद फोन से प्यार है और उसकी हालत अब बहुत बुरी होने वाली, उसको पता लगेगा। उसको क्या, सबको ही होता है। गाइस देख सकते हैं वो अपने प्रिंट आउट निकलवा के आ गया है। तेरा इंतजार कर रहे थे, तेरी इतनी तारीफ की है ना हमने वीडियो में, तेरे को बता नहीं सकती मैं। आए तेरे तारीफों के पुल बांध दिए मैंने तेरे बारे में, कितनी बचपन से कितना स्मार्ट है तू, तेरी तारीफ कर रही थी मैं। तो बहन तेरा भाई है ही। दिखाई जरा। अभी तू समझ रहा है ना, बड़ी बढ़िया लग रहा है। और बताओ दोस्तों, मुझे भी कुछ बताओ, मैं पीछे ऐसे थोड़ी बैठी हुई हूँ। कुछ नहीं बहन, बस अभी आइसक्रीम खाते हैं, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। देखो मैकडॉनल्ड्स के अंदर एक सॉफ्ट सा आती है, एक स्नैप ले लेंगे, मैं भी स्नैप थोड़ी डालूंगी। So guys, हम आए थे मैकडॉनल्ड्स पर, पता लगा कि शायद मैकडॉनल्ड्स ही बंद है, आप बंद पड़ा हुआ है। अभी तेरे को कोई नहीं पूछने वाला, मेरे को ले जा। मैं जाऊंगा ना, अगर मैंने ऐसे कर दिया ना, ऐसे कर दिया ना गेट, तभी खुलेंगे। अरे मेरी सुंदरता को देख के ना गेट तोड़ के लोग आएंगे। उसको तो अभी तक पता नहीं चला कि मैंने इसका फोन छुपा दिया। एक्साइटमेंट नहीं हो रही तेरे को? उसको पता तो लगना चाहिए इसका फोन खो गया है। मैं वही सोच रहा हूँ, मैं तभी तो स्टार्ट स्टोरी करी जा रही बीच में। हम अपना फोन चलाने लग जाते हैं इसके सामने, इसको कभी तो याद आएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैकडॉनल्ड्स बंद था, तो अभी हम क्वालिटी बॉल्स की आइसक्रीम ले रहे हैं। उसको पूछते हैं यार तेरा फोन कहाँ है, मम्मी को फोन करना। सन्नी फोन दियो, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, मम्मी को फोन करना है। एक साल की मेंबरशिप ले रखी है फिर भी बैलेंस नहीं है मेरे फोन में। गाड़ी में तो नहीं है, तू दे दियो आके, मेरे को देखनी है, मैं अपनी पसंद से आइसक्रीम खाऊंगी। अबे नहीं है, मैंने ढूंढ लिया ना, दो बार फोन ढूंढ लिया। मेरे फोन की फ्लैश लाइट भी नहीं जलती। एक तो भाई हर चीज रिकॉर्ड करने लग जाती है, अगर कुछ भी होना हर बंदा रोड पे ढूंढ चुका होना है, भी रिकॉर्ड करेगी पहले बैठ के। तो मेरे को अच्छा लगता है भाई, आजकल मेरे को व्लॉगिंग में मजा आने लग गया है। भाई गाड़ी में जब बैठे थे तो फोन लेके आया था, देख यार देख पा, पीछे देखो अपने बारे में थोड़ा बताओ दोस्तों को। पैसे हो यार। अरे आप कैसे हैं? फोन नहीं मिल रहा तो, अरे यार भैया ठीक है ना सब घर में? अरे बहन मेरा फोन नहीं मिल रहा।
अरे मिल जाएगा तेरे को क्या हो रहा है, तूने कहीं ना कहीं गिरा दिया है पक्का। वहाँ पे गया था ना करवाने तभी गिरा दिया। मेरी फ्लैश लाइट मत खराब कर दियो यार तू। इसको भाई इसमें यहाँ पे फोन नहीं मिल रहा फ्लैश लाइट। अरे नहीं मिला क्या, 10,000 1,00,000 रुपए का है, खो गया तो खो गया। देख यार सीट के नीचे देख भाई, बस शाहरुख मजाक नहीं है यार, हर चीज मजाक नहीं होती भाई। यार ऐसे क्यों बोल रहा है, मैंने तो लॉक लगा रहा, फोन खुल जाएगा तेरे से। पता नहीं कौन कौन सा लगा रखे हैं। मैं अपना फोन किसी को नहीं देती हूँ। ओ हेलो, मेरा फोन मत चेक करने बैठ जाइयो भाई साहब। इतना ज्यादा की सांस अटक गई है, पैसे से दो यार। भैया आइए अपनी स्माइल दिखाइए जरा। पैसे दो यार। क्या पैसे दो, पैसे दो खुद दे, मैं थोड़ी दूंगी हर दिन भाई, मैं ही पैसे दूं। पैसे दे यार उसको। मैं मेरे पास है नहीं भाई। भैया बोलूंगी तुम्हें ब्लॉग में ले लिया ना, बस पैसे की क्या जरूरत है। अरे मैं पोस्ट में ला कोई बात नहीं, बहुत पैसा तेरे पास, 1,00,000 रुपए थोड़ी छोटी मोटी रकम है तेरे लिए तो। इतना बड़ा स्टार है तू, कैसा लग रहा है भाई मुझे तेरी शक्ल ऐसी देख के, इतना सुकून मिल रहा है ना। इतनी स्लिम ट्रिम हूँ मैं, थोड़ी सी जगह ले रखी फिर भी हटा रहा है मुझे यार। कहाँ गया? मजाक तो नहीं कर रही यार, बता दे। मैं क्यों करूँगी मजाक, बनाई जा रही है, मेरे को समझ आ गया। तेरे पास ही है, फोन दे। क्या फोन दे, मेरे पास नहीं है, ढूंढ ले पूरी गाड़ी में, कहीं भी नहीं मिलेगा तेरे को। मतलब क्योंकि मैंने लिया नहीं है, मेरे पास है ही नहीं। तेरे पास ही है, तू वीडियो इतनी देर बनाती नहीं है कभी भी। अच्छा मेरे पास नहीं है भाई, फोन दे। मेरे पास नहीं देख ले, हैप्पी तेरे पास है, हैप्पी भाई प्लीज दे दे यार। अबे नहीं है यार, मेरे पास है ही नहीं। शालुबन हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, पहले पहले बता कैसा लग रहा है। फीलिंग वाली फोन दे मेरा बहन, पहले बता कैसा लग रहा है। मेरे को कैसा लग रहा है, मैं तुम्हारे को गाड़ी से बाहर निकाल के ना फिर पूरी गाड़ी चेक करूंगा, फिर फोन दे दे मेरा। कर लियो फोन दे दे मेरा, फोन दे दे। हम गाड़ी से बाहर जा रहे हैं, नहीं है नहीं है, अभी सही में बता देता हूं। आइसक्रीम वाले की स्माइल स्माइल के लिए बोल रही हूँ, नहीं है। पहले बता भैया कैसे हो। अरे भैया बढ़िया, मेरा फोन तो दे। कैसा लग रहा है तेरे को, कितने रुपए की आइसक्रीम है? पैसे तू दे, पहले बोल आइसक्रीम तू खिलाएगा, इसके पैसे भी तू देगा। बोल मेरे पास नहीं है, पहले बता। ब्लॉग बाद में बनाती रही बहन, तू बैठ के मेरा फोन अगर, मैं तेरी हेल्प करूंगी ढूंढने में। हेल्प करेगी, तेरे पास ही फोन है, दे दे। नहीं है, इधर आओ, इधर आओ जल्दी। बहन मेरा फोन दे, तू भैया को बात में बुलाइयो। पहले मेरे को एक मिनट, अगर तेरा फोन है बहन, भैया पहले सुनो, पहले सुनो, मेरा फोन दे दे मेरे को, मेरे को फोन दे दे बहन प्लीज पहले, उसका तू भैया से बात करेगा। पहले बोल, पहले बोल आइसक्रीम के पैसे तू देगा। हां दे दूंगा, तू मेरा फोन अभी दे पहले। अरे दे रहा हूं ना मैं, पहले दे। पे कैसे करूंगा, Paytm से तो पे करूंगा। चलो कोई बात बेटा, ये ना याद रखियो, जो तूने मेरे साथ किया था ना वहाँ ले जाके मुझे 1 घंटा बिठाया था, ये है उसका इंजाम। कहाँ बिठाया था? सर्विस सेंटर ने लेके गया था मेरे को भाई, सर्विस सेंटर के। इतने दिन पहले की बात बता, याद करके बैठी हुई है मेरे दिल में हमेशा रहती है। चल क्या याद करेगा तू, ये रहा फोन ले, जो बहन तूने करा है ना, ये मैं याद रखूंगा। चल पैसे दे पहले, अब तू मुंह करियो मत, तूने पैसे देने हैं। साइलेंट फोन कर रखा है, साइलेंट पे करके छोड़ा हुआ है, तो बच भी जाए तो मेरे को क्या बच्चा समझ रहा है तू। सो गाइस अब हम आ चुके हैं मासी घर पे दोबारा वापस, और ये हैप्पी, ये मेरा कजन है जैसे कि आप सबको बताइए, और यूवी भी मैं आ रहा हूँ। तो बचपन में हम सारे कुछ ना कुछ वर्ड यूज करते थे कि क्या बोलते हैं कोई, ये पहले शर्मा रहा है, जैसे सपोज करो कोई इंसिडेंट हो रहा है तो हम बोलते हैं, हाँ जैसे बोलती है ऐसे, जैसे मैं बोलता रहा हूँ ओ माय गॉड, ठीक है ऐसे करके करते हैं, हैप्पी करता रहा यूवी वो हैप्पी के सारी लाइन थी। और हैप्पी भाई मेरे को आपसे बात पूछनी है, तो 2021 है ये, 2022 में वैलेंटाइन डे आएगा, तो तेरे हिसाब से किसी लड़की को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं और वैलेंटाइन डे पे तेरे साथ चलने के लिए मान जाए, तो क्या बढ़िया बात, मैं नहीं नहीं हैप्पी बताएगा, हैप्पी भाई बताएंगे, हैप्पी भाई नहीं कर सकते लॉकडाउन लगा। अरे नहीं लॉकडाउन तो खुल गया, अगर सपोज कर मेरे को आज इंप्रेस करना हो फिर कैसे करूं इंप्रेस, चलिए बता दे मुझे, पता होता तो मैं नहीं कर।
तेरे हिसाब से अभी तक तू क्या सीखा है कि कैसे लड़कियां इंप्रेस हो जाती हैं? भाई तेरे को सीखने की जरूरत नहीं है। सो गाइस मेरे को आपको एक बात करनी है, अभी शालू और मैं इसी बारे में बात कर रहे थे, हैप्पी को हम बता रहे थे, तो मैंने सोचा इस बात को रिकॉर्ड कर लेता हूं। तो स्कूल के अंदर हमारी कभी ना कभी किसी के साथ तो लड़ाई हो ही जाती है, तो शालू जैसे मेरी लड़ाई होती थी किसी के साथ, तो शालू मेरे को बचाने आती थी। लोग मुझसे डरते थे स्कूल में कि इसकी बहन आ जाएगी, जेन्युइनली मतलब कि ये रियलिटी है, इसको बचाने मैं जाती थी। भाई आता है बहन को, बहन से आती थी भाई को जाती, लड़कियां लेके आती थी पीछे, इसकी गैंग चल रही होती थी, ऐसे करके आती थी पूरा। तो मैं सेफ महसूस करता था हर जगह, क्योंकि मेरे को पता होता था कि शालू मेरे लिए बैकअप के लिए है हमेशा। मतलब कोई लड़का नहीं आएगा पर शालू मेरे को बचाने आती थी। मास्टर जी इनके बारे में थोड़ा सा बताओ। 770 लोग। 770 इतनी सारी है ना। कौन इसका नाम है? नीलू। पर बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है ना, केयर बहुत ज्यादा भाई। अभी तो 60 है, अभी तो उन्होंने बच्चे दे दिए तो अभी और बढ़ जाएंगे। तो अंडे भी तो बड़े हुए थे, देखे ना अंडे बड़े थे, अभी और वो बढ़ते रहेंगे, मतलब भी तो बढ़ते रहेंगे। तो पहले ये सारी छोटी थी कि सारी बाहर से लेके आए थे? ये सारी अब कैसे समझाऊं। अब जैसे होता है पेयर ले आते हैं लड़का लड़की, बाकी तो आगे होते रहते हैं। So guys, इस वीडियो के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक मार देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल, क्योंकि अगर मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड कुछ बोलना है तो रात को आम जरूर खाना, मुझे तो बहुत पसंद है खाना। अगर आपको ये पसंद तो आप भी खा के सुना। और ये बात तो मैंने इसकी बहुत पहले से नोटिस करी है, आम अगर घर में आ जाना तो खाए बिना इसको चैन नहीं आता। एंड गाइस वन मोर थिंग, जो इस वीडियो पे सबसे बेस्ट कमेंट करेगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा पक्का, जिसका मेरे को बेस्ट कमेंट लगेगा। तो शालू तू कुछ कहना चाहेगी? मैं बस ये कहना चाहती हूँ ऐसे कमेंट नहीं आना चाहिए कि नाइस वीडियो, ये नहीं बड़े बड़े पैराग्राफ मेरे को ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है चालू तू कुछ कहना चाहेगी ये बता। मैं बस ये कहना चाहती हूँ जो भी कमेंट आते हैं ना मेरे लिए, भाई मैं इतनी एफर्ट लगा रही हूँ है ना भाई। मैं कहना चाहती हूँ जो भी व्यूअर्स हैं मेरे को देख रहे हैं, यू नो मुझे देख रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं ना, तो कमेंट बड़े बड़े को, मुझे ना बड़ा बड़ा मतलब कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब रीडिंग, आई लव रीडिंग। तो बड़े कमेंट करो, बैठ के अच्छे से पढ़ूंगी कि किसने क्या कमेंट किया, और फिर मेरे को बहुत अच्छा लगेगा ना, फिर मैं आपको शाउट आउट दूंगी। वैसे मेरे इंस्टाग्राम पे पेज नहीं है, मैं बनाऊंगी। सो गाइस टिल देन स्टे सेक्सी बेबी, टिल देन हैव मैंगोस बेबी।